शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपसे एक सवाल पूछूं? पूछिए। आप शराब पीते हैं? पीते थे, अब छोड़ दी। क्यों? किसी डॉक्टर ने मना किया है? जी नहीं, डेयरी डॉक्टर। ओहो, लव अफेयर। मिस्टर करण सिंह, एक बात आपसे कहें, शराब पीना अच्छा नहीं है, लेकिन वर्षों पीने के बाद उसे फौरन छोड़ देना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता। You see that? सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए मेरी सलाह है, आप नशे के लिए नहीं, दवा के तौर पर थोड़ी सी ब्रांडी सुबह और थोड़ी सी शाम को जरूर पी लीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, अब पी नहीं सकते हम। अपनी सेहत के लिए भी नहीं? अपनी सेहत के लिए भी नहीं, अपनी जिंदगी के लिए भी नहीं। नो थैंक यू डॉक्टर। सके तो उसे भूल सकते हैं, मगर पिए कैसे? उसे भूल सके तो पी सकते हैं, मगर भूले। शराब से नशा भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है, दाढ़ी भी ज्यादा है। शराब है, दवा समझ के पी लीजिए। किसके लिए? अपने लिए। हम किसके लिए हैं? जिंदगी के लिए। आपको जीना है अपने लोगों के लिए, उन किसानों के लिए जो आपको भगवान मानते हैं, उन मजदूरों की खातिर जिनकी जिंदगी का सहारा और कोई नहीं, अपनी जागीर के लिए, अपने खानदान के लिए। तुम्हारे लिए नहीं है ना करण? छोटे सरकार। हम करण से फिर छोटे सरकार हो गए। हाँ, हमारा नाम तुम्हारे दिल से निकला और तुम्हारे गले में अटक गया। तुम कब तक अपने आप को धोखा देती रहोगी? ये किसान, ये मजदूर तुम्हारे तो लाए हुए हैं हमारी जिंदगी में। हम जानते हैं, तुम्हें मालूम है तुम्हारा स्थान हमारे जीवन में क्या है। इसीलिए तो कह रही हूँ, आप पी लीजिए। पागल हो, जब हम तुम्हारी तस्वीर के सामने नहीं पी सके तो तुम्हारे सामने कैसे पी सकते हैं? हम इतने कमजोर नहीं हैं। कभी तुम्हारे कहने पे शराब छोड़ देंगे, कभी तुम्हारे कहने पे शराब पी लेंगे। इस मिटते हुए शरीर में पहाड़ जैसा दिल है। मैं जानती हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। आप चाहें भी तो आप बुजदिल और कायर नहीं बन सकते। कायर? कायरी और बहादुरी तुम क्या जानो लता? ये तो हमसे पूछो जिनकी कायरी से बरसों दोस्ती रही है और बहादुरी से नहीं नहीं मुलाकात हुई है। कायर तो सिर्फ जीने के लिए जीता है, लेकिन जिनके पास दिल होता है ना, वो प्यार के लिए जीते भी है और प्यार के लिए मरते भी है। आप सब्र रखिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप डॉक्टर की सलाह मानिए और पी लीजिए। हम एक सवाल करें, जवाब मिलेगा?
तुम्हें हमारी इतनी फिक्र क्यों है? हम बताते हैं तुम्हें, तुमने हमसे प्यार किया, हमें अपने दिल में जगह दी, इसीलिए तो सोचा तुमने तुम्हारी भी कोई जगह हमारी जिंदगी में, तुम्हारा भी कोई हक है हम पर, इनकार कर सकती हो इससे? जैसे तुम जवाब नहीं दे सकती, हम शराब नहीं पी सकते। लता, बात इतनी है, तुम ना नहीं कह सकती, हम हाँ नहीं कह सकते। छोटे सरकार, आप इसी तरह। लता, इंसान का जीवन एक पेड़ की तरह होता है, पेड़ पैदा होता है, उगता है, बड़ा होता है, जब आसमानों को छूने लगता है गिर जाता है, मर जाता है। यह समझ लो हमारा जीवन भी एक पेड़ की तरह है, बस इंतजार है तो सिर्फ उस दिन का जब हम। बस कीजिए, बस कीजिए। जाने से पहले हमारी एक बात सुन लो। हमारी आखिरी सांस तक हमारे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। सुना है करण के बारे में कुछ खत आया है शहर से? हाँ, पूरे ने लिखा है, उसकी सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही है। ओ, हम तो आपके आंसू देखकर ये समझे थे शहर से कोई दूसरी खबर आई है। शमशेर, तुम इंसान नहीं जानवर हो। आपका बेटा झूठे पाको मत। करण की भलाई की ओट लेकर तुम्हारे मन में जो उल्टा सिधाया तुम करते रहे, उसकी जिंदगी था और तुमने उसके प्यार को एक जल्दी चिता बना दिया। चीखो नहीं रानी माँ, और अपने आंसू पहुंच दो। करण इतनी आसानी से नहीं मरेगा, ना शराब के लिए और ना प्यार के लिए। तुम क्या जानो प्यार किसे कहते हैं? यही सवाल हम तुमसे पूछते हैं माँ, तुम्हें क्या मालूम प्यार क्या होता है? नमस्ते छोटे सरकार। बताइए, वो नहीं आएगी? जानते हैं तुम्हारी दीदी में बड़ा घमंड है, बड़ा गरूर है, बड़ा अभिमान है, इसी अभिमान के तो हम कायल हैं, वरना। एक बार सिर्फ हमें कह दो, तुम कभी हमारी नहीं हुई, कभी हमें अपना नहीं समझा। छोटे सरकार, पूरन काका तुम नहीं समझते, हमारा कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि हम उससे प्यार करते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार वो हमसे कह दे कि वो हमसे प्यार नहीं करती तो हम पी भी लेंगे, जी भी लेंगे, अगर जिएंगे तो किसके लिए? किसके लिए?